नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता। अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन, आज आपके सामने दो खबरें लेकर आई हूँ। एक जो जनहित में जारी है वो खबर, जो कि है अरविंद केजरीवाल इज अरेस्टेड, फाइनली अरेस्टेड। अब देखिए, अगर माना जाए तो हम कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता में हमें क्या फ़र्क पड़ता है, बट अगर हम एक नागरिक होकर बात करें, एक सिटीज़न होकर बात करें, सिटीज़न ऑफ इंडिया होकर बात करें, तो हम ज़रूर से चाहेंगे और हमें चाहना चाहिए कि जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं, जो पॉलिटिक्स का चोला पहनते हैं, पॉलिटिक्स में उतर कर ओथ्स लेते हैं, यानी कि काफ़ी वायदे करते रहते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, आप हमें वोट दीजिए हम आपको ये देंगे, ये सारे जो भी गलत वायदे करते हैं, गलत बातें करते हैं, भ्रष्टाचारी जो सिर्फ मुखौटा ओढ़ कर स्माइल करके आपको कहते हैं बिजली और आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं ताकि आप बहुत खुश हो जाए और नेक्स्ट टाइम उन्हीं को वोट करें। देखिए, हमारा तो मन ऐसा ही है, हम तो ऐसे ही है, यही सब सोच सोच के ना हम अपने देश को खराब कर रहे हैं। हम बिजली और पानी के लिए अपने आप को इतना नीचे गिरा दे रहे हैं कि हम अपनी नज़रों में उठ नहीं पाएंगे। लेकिन देर से ही सही, दिल्ली में एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन चल रहा है। जो देश प्रेमी है वो सेलिब्रेशन करेंगे, जो अरविंद प्रेमी है, केजरीवाल प्रेमी है, वो शायद तक थोड़ा रोना धोना करेंगे। और इनमें आई एम सॉरी टू से दिस, नो कॉन्ट्रोवर्सी आई वॉन्ट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे हमारी ममता बनर्जी यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान और बहुत सारे फ़ायदे कराती है, हिंदुओं के बारे में नहीं सोचती है, ये एक फैक्ट है। आई डोंट नो हु एवर इज सेइंग व्हाट नॉट, ममता बनर्जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, यहाँ पर वीडियो देखने वाले में भी बहुत सारे भक्त हो सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इनके कंपैरिजन में अगर मैं कहूँ तो मानती हूँ कि ममता बनर्जी भी हिंदुओं को ना सपोर्ट करके मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है ताकि उनका वोट मिल सके, उनकी कौम से उनको पूरा सपोर्ट मिल सके, ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी करती हैं। मर्डर वर्डर की बात नहीं कर रही हूँ, बट काफ़ी चीज़ें अच्छी भी करती हैं, अब मुझे याद तो आ नहीं रही है, बट एक दो करती होंगी शायद तक, बहुत खास मैं उसकी फ़ैन नहीं हूँ। वैसे ही अरविंद केजरीवाल बिजली पानी फ्री में देकर, लोगों का वोट पाकर, फिर से गंदे और झूठे वादे करके अपनी वोटिंग के द्वारा वापस से सीएम पीएम जो भी बनना चाहता है बन जाता है, पीएम नहीं, सॉरी, पीएम तो एक ही है हमारे, नरेंद्र मोदी जी। तो अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल फाइनली गॉट अरेस्टेड यस्टरडे, एंड ये जनहित में जारी खबर है। एंड अगर आप पूछना चाहो कि किन किन मतलब क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आई है जहां पर उनको पुलिस पकड़ के लेके गई, तो मैं कितनी सिचुएशंस गिनाऊँ या कितने गुनाह गिनाऊँ, पहली बात तो जैसे कि मैंने कही कि वो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुस्लिम कौम को करते हैं ताकि उनको उनका सपोर्ट मिले। एंड नॉट ओनली दिस, 100 करोड़ रुपए उन्होंने मस्जिद वगैरह में बनाने में डाल दिए, बट हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, हिंदुओं के लिए एज सच उन्होंने कोई भी 100 करोड़ क्या 100 रुपए भी नहीं डाले हैं, मैं कह सकती हूँ। इमामों के लिए जो मस्जिद खोले गए हैं, जहाँ पे मस्जिद हैं, वो इमामों की सैलरी कर दी है 25,000, और उनके जो असिस्टेंट डिप्यूटी जो भी होते हैं उनकी सैलरी कर दी है 20,000, बट हिंदुओं के पास ना काम है, ना काज है, ना उनको अनाज है, ना कुछ। तो भैया, जब अनाज नहीं डालोगे तो पेट से निकलेगा क्या, और पेट से निकलेगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पानी देके क्या कर लोगे यार, लोगों को काम चाहिए, काम तो आप मुस्लिमों को दे रहे हैं, अरे दीजिए, बिल्कुल दीजिए, बट आपको एक बैलेंस करके चलना चाहिए, आप मुस्लिमों को जितना मुसलमान को जितना आप काम दे रहे हैं उतना ही आप हिंदुओं को भी दीजिए, एक बैलेंस रखिए ताकि आपके लिए जो वोटिंग हो वो दोनों के तरफ से अच्छे से हो,
सिर्फ मुसलमान ही नहीं आपको हिंदू भी दे सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुंह से बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट केजरीवाल के डर से नहीं बोल पाते। और दूसरा डर ये भी होता है ना भैया कि केजरीवाल अगर पकड़ा जाएगा तो मेरी बिजली पानी का क्या होगा, वो तो मेरे को फ्री नहीं मिलेगा। तो लोगों उठो, अपने देश में देशद्रोही ना डालकर अपने देश को संभालने वाले लोगों को युक्त करो, वोट दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर केजरीवाल को काम करना चाहिए था वहाँ काम नहीं किया। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, एनके सूद जो एक्स रॉ के डिपार्टमेंट से ऑफिसर थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, अभी बहुत अच्छा एक एग्जांपल डाला उन्होंने। जब 2020 में COVID-19 हुआ था तो दिल्ली वॉज अ प्लेस जहाँ पर भर भर के कोविड पेशेंट्स थे। बिकॉज अगर दिल्ली से कुछ लोग जानते हैं, सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो को, देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता है कि मैं असलियत बता रही हूँ। इनफैक्ट मैं उस दौरान नहीं 2021 में दिल्ली गई थी एंड आई हैव सीन नोबडी वेयरिंग अ मास्क। Nobody means nobody and there was so much of pollution, इतना गंदा pollution, इतनी गंदगी, traffic and रहन सहन इतना गंदा। I'm so sorry, ये दिल्ली है हमारा, you know, हमारे country का बहुत बड़ा नाम हो जाता है दिल्ली से, but दिल्ली is very dirty, very polluted. I want to say this, I am sorry to say this, but very polluted. ना कोई ठीक ठिकाना है, ना कोई pollution free कुछ डाला जा रहा है, ना oxygen, ना कुछ भी नहीं। तो उस वक्त केजरीवाल ने देखा कि COVID-19 से पीड़ित लोग इतने सारे हैं कि कोई भी hospital खाली नहीं है, there was no bed, everything was booked up. बाद में पता चला, नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोगों के द्वारा पता किया था कि बेड तो खाली है लेकिन सारे बेड जो है रिजर्व्ड है, और सारे बेड जो रिजर्व्ड है वो मुसलमानों के नाम से है। क्यों? जिनको जरूरत है उनके नाम पे क्यों नहीं है? वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो बेड उसके लिए होना चाहिए जो पीड़ित है, जिसको जरूरत है इलाज की। नो मैटर विच एवर कास्ट इट इज, शेड्यूल कास्ट इट इज, वॉट एवर, बट उन्होंने कोई बेड नहीं दिया था, बेड्स खाली थे और बेड रिजर्व थे, मुसलमानों के नाम लिखे हुए थे। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनके तरफ, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो देशद्रोहीपन करते थे और किस तरीके से वो इस तरह का बायसनेस दिखाते थे जस्ट बिकॉज ही कैन गेट सम वोट्स। आई एम लाइक आई हैव नो सच वर्ड्स, मतलब मुझे जब समझ आया तो मुझे बहुत बुरा लगा। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा अपने इंटरव्यू में कि ऐसा भी देखा गया कि जहां पर लोगों ने पूरे समाज ने जब शुरू कर दिया नाम देना कि क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, तो सबने सेंटर को ब्लेम किया कि सेंटर ने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हजारों की तादाद पर मर रहे हैं COVID-19 से, बिकॉज सेंटर ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। बाद में सेंटर ने डिक्लेयर किया विद सबूत एंड सौदा सब कुछ कि उनकी तरफ से पूरी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है, कोई रुकी हुई सप्लाई नहीं है, कोई मर नहीं सकता, इतनी सारी ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई है। लेकिन बाद में पता चला कि ऑक्सीजन से भरे हुए ट्रक्स जो थे उन्हें बीच राहों पे रुका जाता था, पेट्रोल पंप के पास रोका जाता था एंड एयर में ऑक्सीजन को ब्लो आउट कर दिया जाता था। यानी कि आप समझ रहे हो, जहां पर जरूरत है वहां ना देकर आसमानों में एयर में छोड़ दिया जाता था ऑक्सीजन और लोग वहां पर मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। और उसी वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के तरफ से ये स्टेप्स उठाए जा रहे थे। दूसरी जगह अगर हम बात करें किसी दूसरे स्टेट की, किसी दूसरे सीएम की, तो वहां पर हम लोग को नाम आता है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नवीन पटनायक, आई गेस आई एम वेरी बैड विद द नेम्स, बट आई गेस सो नवीन पटनायक वॉज द वन जो ओडिशा में है एंड ओडिशा के तरफ से इतना अच्छा उन्होंने किया। ओडिशा इज बेसिकली स्टील प्लांट्स एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कितनी सारी स्टील प्लांट्स को बंद करवा दिया और अपने तरफ से उधर से ऑक्सीजन सप्लाई करा है लोगों तक,
दिल्ली हो, कहीं भी हो, पंजाब हो, फलाना हो, ढिमका हो, हर जगह उन्होंने अपने तरफ से जितना हो सके ऑक्सीजन सप्लाई किया है। अपने देश में तो करा ही है, अपने स्टेट में तो करा ही है। बहुत ही कम जन थे उड़ीसा में जिनको कोविड 19 का सामना करना पड़ा था, बिकॉज द मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस। सो ये अरविंद केजरीवाल को जो ये अरेस्ट किया गया है वो पॉलिटिकली बहुत सही किया गया है। एंड जैसे कि हमें पता चल रहा है कि इट कैन बी डन, लाइक इट वॉज टू बी डन आफ्टर इलेक्शन, बट बहुत अच्छी तरीके से सारी जांच पड़ताल करने के बाद, बहुत अच्छे से अहम सारे सबूतों को देखने के बाद, सोच विमर्श करने के बाद पीएम मोदी ने उनको अरेस्ट करवाया, उनको अरेस्ट करवाया। यहाँ ये भी हो सकता था, इट कुड बी अ रॉन्ग यू नो, एक पलटवार भी हो सकता है कि भैया इस वक्त क्यों करवाया, या वहाँ पर बहुत सारे दंगे फसाद भी हो रहे हैं एंड ज़्यादातर वहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स जो देश प्रेमी हैं वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे करप्ट लोग उस देश को चलाए। और ऑफकोर्स नाउ इट इज़ वेरी वेरी यू नो सिंपल एंड स्टेडी दैट वो जेल में रहकर कोई फाइल्स नहीं साइन कर सकता, विच इज़ अ मैंडेटरी रूल नाउ, कि जेल में बैठा वो कोई भी पद में हो उस पद को उसे छोड़ना पड़ता है, उस कुर्सी को उसे छोड़ना पड़ता है। तो अब इस केजरीवाल के बच्चे को भी यार व्हाटएवर, उसको भी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी एंड वहाँ पर एक नॉमिनेटेड जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो बैठेगा या बैठेगी। अब वो कौन है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ विच आई प्रिफर, के ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ पकड़ के एक एक करके जेल में बिठा देना चाहिए और इनसे उनकी सारी जायदाद भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जायदाद उनकी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने उनको संभालने के लिए दी थी, उससे अपने देश का, अपने स्टेट का भला करने के लिए दी थी, पर यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जेबें गरम करी है। 200 करोड़ एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू 38 to 40 crores का उन्होंने अपना बंगला बनाया है, रेनोवेट करा है। जस्ट इमेजिन कि क्या रेनोवेशन होगा, तो कैन यू इमेजिन वो उस आदमी ने कितने पैसे हड़पे हैं। तो क्या आप लोगों का भी यही कहना है जो मैं कह रही हूँ और आधी से ज़्यादा दिल्ली कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ केजरीवाल पकड़ा गया, देर आए दुरुस्त आए, एंड वो पकड़ा ही जाना चाहिए, उसको निकालने मत दो। उसे अगर निकालना है तो एक आम आदमी बना के निकालो, बट उससे वो गद्दी छीन लो। वो पहले भी करप्ट था, आज भी करप्ट है और हमेशा करप्ट ही रहेगा। वैसे इंसानों को बिजली और पानी मुफ्त में आए उसके लिए वहाँ पर नॉमिनेट, आई मीन वहाँ पर वोटिंग मत करें, ये आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी। एंड दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ी सी अब फनी चीज़ कर देती हूँ, ये बहुत यू नो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको सुनकर। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको जानना था कि राखी सावंत, आदिल दुरानी का क्या हुआ, राजश्री का क्या हुआ। तो भैया देखो, इन लोगों के ऊपर ना इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग टॉपिक के लायक नहीं है। सबसे तो जहाँ पर सोमी खान ने उसके साथ शादी कर ली है, वहाँ पर राखी सावंत रो रही है, दुबई में बैठकर अपने आप को छुपा रही है, ऐसे कैसे कैसे काम कांड किए होंगे उसने। अभी वहाँ पर आदिल जो अपनी बहन गिनता था राजश्री को, और राजश्री अपना भाई 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 करके बहुत सारी चीज़ें करी उसने। फिर कौन है वो व्हाटएवर उस वो लड़की जो बहुत ज़्यादा, आई जस्ट फॉरगॉट दैट गर्ल्स नेम, जो आदिल दुरानी और राशि मोरे के साथ बैठी हुई थी एंड राखी सावंत के मुखौटों खोल रही थी एंड ऑल दैट, तो उन सब का एंटी हो गया है आदिल के साथ। अब राशि ने ये निकाला है बात, एंड टेली मसाला आई वुड लाइक टू स्पेशली मैंशन आउट योर टेली मसाला, आप लोग को कोई खा पी के काम नहीं है। मतलब टेली मसाला, आप इतना मसाला, मिक्स मसाला, मैगी मसाला डालते हो कि आपको कोई काम नहीं है। आप आदिल के पास जाके ही करते हो, फिर आप जाके राष्ट्रीय के पास ही करते हो, फिर राखी सावंत के पास भी जाते हो, आप किसी के नहीं हो, आप किसी के नहीं हो। पता है एक मीडिया पब्लिकेशन, एक मीडिया पब्लिकेशन हाउस सच्चाई के राह पे चलता है, और आप लोग सच्चाई की राह पे नहीं, सिर्फ मिर्च मसाले की राह पे चलते हो। आदिल और सोमी का आपने इंटरव्यू लिया,
उसके बाद आपने राष्ट्रीय का इंटरव्यू लिया, आप बेसिकली कर क्या रहे हो? बहुत ज़्यादा आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग सच्चाई नहीं बताते हो, आपको बस मसाला ढूंढना है। एक दिन इसको पकड़ लिया, एक दिन उसको पकड़ लिया, इंटरव्यू चला दिया, है ना। आप यही करो, आपसे और कोई आशा भी नहीं है मेरी आप लोगों से। एनीवेज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पर राष्ट्रीय ने ऐसी ऐसी बातें खोलकर बताई आदिल के बारे में, आदिल दुरानी उसके साथ था एंड 26 अक्टूबर उसने लास्ट बात करी, शी वॉज इन द कार एंड आदिल भी एक लड़की के साथ था। वो आदिल, लड़की और राष्ट्रीय एक कार में बैठे थे पीछे एंड आगे एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी, किसी का नाम बताया नहीं, वो बैठा था एंड आदिल वॉज कंटिन्यूसली डूइंग एंड बहुत कुछ इनसाइड द कार इन फ्रंट ऑफ राष्ट्रीय। एंड राष्ट्रीय ने कहा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो वो बैठ जाती है आगे की तरफ और लड़के को पीछे डाल देती है। जस्ट इमेजिन वो लड़की किस तरह की होगी जो आदिल उसे छू रहा है, एक लड़के के सामने हो या एक लड़की के सामने हो, आपका प्यार का रिश्ता हो या जो भी रिश्ता हो, थोड़ी सी तो शर्म रखो। तो मुझे लगता है किस तरीके का कैरेक्टर होगा वहाँ पर समझ आ रहा है उस लड़की का, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड आदिल इज़ डूइंग वॉट नॉट। फिर राष्ट्रीय ये कहती है कि मेरे हमारी उस गाड़ी के पीछे दो गाड़ी थी जिसमें उसकी एक गाड़ी थी और उसने ये कहा आदिल को कि अगर तुमको यही सब गंदगी करनी है तो पीछे चली जाओ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप कह रही हो कि पीछे आपकी गाड़ी थी और आपको प्रॉब्लम आ रहा है इस तरह के लड़के के साथ आप बैठना नहीं चाह रही है, तो मैं अगर होती तो मैं उसी वक्त उसे खरी खोटी सुनाकर उसे कहती आगे से मेरे साथ कभी ज़िंदगी में बात मत करना और उतर के मैं अपनी गाड़ी में बैठती। मैं उसे क्यों कहूँ, राइट? मैं उसे क्यों कहूँ उसकी गाड़ी से निकलने को? मुझे दिक्कत आ रही है, मैं इतने गंदे लड़कों के साथ या किसी के साथ भी नहीं बैठना चाहती, मैं निकल के अपने घर चली जाऊँगी अपनी गाड़ी में। बट उसने ये कहा कि वो रहती थी राखी के साथ तब उसको राखी के बारे में पता चला, वो रहती थी आदिल दुरानी के साथ तब उसको आदिल के साथ पता चला। बट आपको रहने की ज़रूरत है क्या? आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपने ये बताया कि आपको वो पालके अवार्ड्स मिलने वाला था, आप दुबई जाने वाले थे 27 को, जो आप नहीं गई ये सब के बाद। तो आप अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो तो आपको ज़रूरत क्या है दूसरों की गाड़ी में या दूसरों के घर में रहने का और इस तरह से भाईचारा दिखाने का? आप लोगों को जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है आप वही करते हो। ऐसे लोग तो मेरी लाइफ में भी है, जब आपको ज़रूरत पड़ते हैं तो आप उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो, जब इस्तेमाल हो गया तो उसको मुंह पे बोल देते हो आपने किया क्या है हमारे लिए और उसको फुस करके फटाक से फेंक देते हो। वो आपके अपने भी हो सकते, पराए भी हो सकते, ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। मेरी तो लाइफ में एक्सपीरियंस होती, मैं उनको मुँह उठा के देखती भी नहीं हूँ, जितना ज़रूरत उतना बात, मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों। तो मैं अगर आदिल की उस गाड़ी में बैठी होती तो मैं उतर के उसके साथ वहीं रिश्ता तोड़ देती, भाई बहन व्हाटएवर, मैं जा रही हूँ। एंड उसने कुछ सबूत के तौर पे कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करी और दिखाया कि राखी सावंत ने उसको और उसके राखी सावंत ने अपने लॉयर को वो सारे स्क्रीनशॉट भेजे और उसके लॉयर ने राष्ट्रीय को स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें आदिल कह रहा है राखी को शी इज़ चीटेड ऑन मी। पहले तो इन लोग का इंग्लिश इतना भयानक है, आदिल इज राइटिंग राष्ट्रीय इज चीटेड मी, राष्ट्रीय इज चीटेड मी, ऐसा इंग्लिश डाला। तो फिर मतलब राखी ने वहां पर लिखा है हाउ इज पॉसिबल आई डोंट बिलीव, सेंड प्रूफ, ऐसा इंग्लिश में उन्होंने लिखा, वो सारे स्क्रीनशॉट राष्ट्रीय के पास है। एंड राष्ट्रीय ने एक ऑडियो भी चलाया जिसमें आदिल उसे बहुत गंदी गालियाँ दे रहा है एंड धमका रहा है, एंड आदिल को पता नहीं था कि राष्ट्रीय ने जो स्क्रीनशॉट की बात करी है वो राखी ने वन टाइम भले पास मतलब वन टाइम वॉच यू नो मैसेजेस होते हैं जो आदिल ने भेजे थे, बट उसने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ऑफकोर्स राखी इज़ राखी। तो वहाँ पर ही मैं ये कहना चाहती हूँ किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता इन लोगों के ऊपर। आप लोग ये चीज़ बोलना बंद कर दीजिए कि राखी इज़ राइट, आदिल दुरानी इज़ राइट या राष्ट्रीय मोरे इज़ राइट। कोई राइट नहीं है, कोई भी कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब एक से एक है। सारे के सारे बहुत बड़े ब्लफ मास्टर्स हैं एंड बहुत बड़े धोखेबाजों में से है। सो इन लोगों के ऊपर कोई चर्चाएं इसके बाद नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें इन लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के साथ अच्छा हो बुरा हो इनकी भैया इनको छोड़ दीजिए, इनको अपनी करने दीजिए, ये लोग बहुत बेकार लोग हैं। सो डू नॉट वेस्ट एनर्जी एंड टाइम ऑन दीज पीपल,
यहीं तक था आज का वीडियो। आप मुझे इस वीडियो में जो मैंने पहले बात करी केजरीवाल वाली, उस पे ज़रूर कमेंट करें। इस पे करना है तो आप कर सकते हैं, बट केजरीवाल में ज़रूर कमेंट करें कि आप क्या सोचते हो, आपको अच्छा लगा कि नहीं केजरीवाल की अरेस्ट होने की अपडेट सुनकर। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप अपने व्यू शेयर करिएगा एंड मुझे बहुत अपना साथ दीजिएगा, मुझे आपकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। Love you all, my subscribers, my haters, my lovers, everything. Jai Jinendra, Aao Jo, and Jai Hind. We want justice and we will get justice. Bye.